मयूरभंज जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा शराब घोटाला भ्रष्टाचार के आरोपी मनीष सिसोदिया केजरीवाल सत्येंद्र जैन का होली के मौके पर पुतला दहन कर रोष जताया। देखें खास रिपोर्ट आपके सामने। देखिए कार्यक्रम में आप समझ सकते हैं लोगों में कितना रोष है। ये दिल्ली की पटप्रगम विधानसभा है और जिस जनता ने दिल्ली के विधायक जो यहाँ के विधायक हैं और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को जिन उम्मीदों से जिताया था कि यहाँ विकास होगा, स्कूल बनेंगे, धर्मशालाएँ बनेंगी, अस्पताल बनेंगे, लेकिन वो तो बन नहीं पाए। इस विधानसभा में 8 शराब की दुकानें खोल दी। लोगों के अंदर रोष है, इन्होंने लोगों का विश्वासघात किया और जो इस पूरे शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको इस्तीफा देना चाहिए। इतना बड़ा शराब घोटाला पूरे देश में अभी तक कभी नहीं हुआ, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर के आज यहाँ पर होलिका का दहन हुआ। आया कि आज इस भ्रष्टाचारियों का कि सरकार जो दिल्ली में है केजरीवाल जी का, केजरीवाल के भ्रष्ट मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का आज होलिका दहन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर विनोद बच्छेती जी के नेतृत्व में यहाँ पर पड़पड़गंज विधानसभा में किया और हम सभी इस भ्रष्टाचारियों को आज होलिका में दहन करके समाप्त करने का ऐसा आग्रह किया और हम सभी कार्यकर्ता समाप्त करने के किया। होली का दहन होता है बुराई पे अच्छाई की जीत, और जो दिल्ली के शराब मंत्री जिन्होंने देश की जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया वो जेल में है, तो बुराई पर अच्छाई की जीत तो होली का दहन ही होता है भाई। ये कार्यक्रम क्षेत्रीय जनता को जागरूक करने के लिए और उनको इस सरकार की जो भ्रष्ट नीतियां हैं ना, जिस प्रकार इन्होंने भ्रष्टाचार किया और दिल्ली के जनता के पैसे को लूटा, किस प्रकार से ये शराब नीति लेकर के आए थे और दिल्ली में जगह जगह शराब के ठेके खोले गए और किस प्रकार इन्होंने शराब की कंपनियों को जो लाभ पहुंचाया और किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, हर चीज़ में भ्रष्टाचार में डूबी ये सरकार है। चाहे वो स्कूलों में क्लासरूम बनाने का काम हो, चाहे क्लासरूम के अंदर बेंच डालने का काम हो, चाहे अस्पतालों की व्यवस्था का काम, जनता पार्टी ने तय किया और पुरजोर विरोध करके बहुत सारे शराब के ठेके बंद कराए गए। आज भी देखिए कई ऐसी आबादी वाले क्षेत्र में शराब के ठेके खुले हुए हैं और जिस प्रकार से इस आबकारी नीति में यहाँ के जो इस पड़पड़गंज विधानसभा के विधायक और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार हुए हैं, शराब नीति जिस प्रकार लाए थे उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ था, 140 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ और कई शराब ब्लैक लिस्टेड शराब कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया, कमीशन 2% से बढ़ा के 12% कर दिया गया, तो ऐसी शराब नीति का विरोध करने के लिए आज हमने श्री राम चौक मंडावली पे पड़पड़गंज विधानसभा की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें इन तीनों भ्रष्ट मंत्रियों के, इन तीनों दिल्ली के जो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्ट नेता हैं, केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों या इनके सत्येंद्र जैन हों, इन तीनों के भ्रष्ट लोगों के पुतले दहन का आज ये कार्यक्रम रखा गया है। ये आज का जो कार्यक्रम हुआ है हमारे पड़पड़गंज विधानसभा में, यहाँ सेज विधायक हैं मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादा किए थे दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए, शिक्षा मतलब उच्चतम वर्ग की शिक्षा दिल्ली को दिलाने के लिए, लेकिन ये सारे वादे झूठे हैं। आज के टाइम में वो सिर्फ एक शराब मंत्री बनकर रह गए हैं और सिसोदिया जी के साथ साथ वो तो मतलब अभी जेल में हैं। और मैं हमारी जनता यहाँ की चाहती कि आप पूरी दिल्ली की जनता यही रिक्वेस्ट कर रही है केजरीवाल जी सम्मान के साथ इस्तीफा दे दें, वो किसी भी एंगल से दिल्ली के सीएम बनने के अधिकारी नहीं हैं, उन्होंने पूरा टोटल ही झूठ बोला है, दिल्ली की जनता को सिर्फ वादों के नाम पे ठगा है। तो इसलिए हम सभी बहनें और पूरे विधानसभा पड़पड़गंज विधानसभा के सारे क्षेत्रवासी एक नारा बोलते हैं, केजरीवाल केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, गली गली में शोर है। शाहदरा जिले के प्रमुख समाजसेवी भाजपा के कर्मठ फेमस कार्यकर्ता अधिवक्ता पवन वर्मा ने अपने वार्ड के आरडब्ल्यू के पदाधिकारी, भाजपा कार्यकर्ताओं और वहां मौजूद जनता का अपनी मधुर वाणी से सभी का दिल जीत लिया और सभी के साथ गुलाल की होली खेली। देखें खास रिपोर्ट आपके सामने।